तो किसको क्या मिला आपको ये बताते हैं। देखिए बहुत बड़ा बजट है ये और यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है हिमांशु, देखिए पूरी कोशिश ये की गई है कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे उसको बिल्कुल रोडमैप यहाँ पर रखा जाए। सेक्टर वाइज यहाँ पर पूरा बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने। लेकिन पहले देखिए डिजिटल इंडिया पर 3700 करोड़ रुपए ताकि डिजिटल इंडिया को ऑनलाइन एजुकेशन की हम बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि कैसे सारी चीजें ऑनलाइन लाई जाए उसके लिए रखे गए हैं। जनगणना और बहुत बड़ी खबर, इस बार डिजिटल सेंसस होगी यानी जनगणना डिजिटल वर्चुअल तरीके से भी की जा सकती है डिजिटल तरीके से और उसके लिए 3700 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। यह देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे होगी यह जनगणना। इसके अलावा पोर्ट्स के लिए 2000 करोड़ रुपए शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए रखे गए हैं, 2000 करोड़ रुपए सरकार ने रखे हैं। इसके अलावा और किसको क्या मिला जल्दी से जान लीजिए। वैक्सीन के लिए यह खबर लगातार हम बात बता रहे थे आपको कि सरकार वैक्सीन के लिए 35 बजट ला सकती है, फंड ला सकती है और देखिए 35,000 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन इसके लिए हम बात कर रहे थे कि पैसा कहां से आएगा, तो कोई एक्स्ट्रा टैक्स फिलहाल नहीं लगाया गया जैसे कोरोना से इसकी बात आ रही थी। तो अब ये पैसा कहां से आएगा ये हम धीरे धीरे बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। इसके अलावा वायु प्रदूषण के लिए देखिए पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हर साल दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन देखने को मिलता है हिमांशु, और दिल्ली नहीं बल्कि भारत के कई शहरों में पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो अगले 5 सालों के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं पॉल्यूशन के लिए। आप आगे आ जाइए हिमांशु थोड़ा, तो ये देखिए यहां पर अब धीरे धीरे चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि सरकार का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, सरकार का पूरा फोकस खपत बढ़ाने पर है, सरकार का पूरा फोकस सीधे पैसा ना देकर ग्रोथ पर है। 20,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में दिए गए हैं ताकि रोड्स बनाए जाए। और बहुत इंटरेस्टिंग है इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चुनाव वाले साल है 4 राज्य उनमें बहुत पैसा दिया गया है, तमिलनाडु बंगाल असम। तमिलनाडु में 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, बंगाल में 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं और असम में 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और वहां पर चुनाव भी हैं। ये निशांत बात भी कर रहे थे और ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए और यहाँ सैनिटाइजेशन पर करीब 1,50,000 करोड़ का बजट दिया गया है क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री के कितने दिल के करीब है ये हम सब जानते हैं। रिसर्च फाउंडेशन R&D पर अच्छा खासा पैसा दिया गया है, 50,000 करोड़ रुपए R&D पर दिए गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो रिसर्च पर पैसा खर्च करना होगा। स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, हेल्थ बजट में 125% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई है और इस बार इसको 2,25,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया जिसकी लगातार बात हो रही थी कि भारत में हेल्थ इंफ्रा पर ध्यान देना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।